अथर्ववेद जीवन रस का महासागर, ऋषि ही ब्रह्मा देवता धावा पृथ्वी। हे लोगों, यह समझो कि जो तत्व ज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा। तत्व ज्ञान यह है कि जिससे बढ़ने वाली वनस्पतियां आदि का अपना जीवन प्राप्त करती हैं, वह जीवन का सत्व पृथ्वी नहीं है और नहीं धूलोक में है। इन वनस्पति आदि का स्थान अंतरिक्ष है। जैसे थके मांदे विश्राम करते हैं, उस प्रकार ये वनस्पति आदि अंतरिक्ष में रहते हैं। इस बने हुए जगत का जो आधार है उसको कौन से ज्ञानी लोग जानते हैं और कौन से नहीं जानते। हिलने जुलने वाले धूलोक और पृथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया है वह सब इस समय तक बिल्कुल नया अर्थात जीवन रस से परिपूर्ण जैसा है। जैसे सरोवर से चलने वाले स्रोत रस से परिपूर्ण होते हैं, यह सब जगत दूसरी शक्ति के ऊपर रहा है और वह भी दूसरे के ही आश्रय से रही है। धूलोक और धनों से युक्त पृथ्वी देवी को मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत का निर्माण करने वाली हैं। स्थूल सृष्टि, जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है। इसमें मिट्टी पत्थर आदि अति स्थूल पदार्थ, वृक्ष वनस्पति आदि बढ़ने वाले पदार्थ, पशु पक्षी आदि बढ़ने और हिलने वाले प्राणी तथा मनुष्य पढ़ने हिलने और उन्नत होने वाले उच्च कोटि के प्राणी हैं। पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टि को छोड़ा जाए और वनस्पति पशु तथा मानव सृष्टि में देखा जाए तो ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और प्राण धारण करते हैं। यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दिखाई देने वाला जीवन तत्व कौन सा है? क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्व है? इसका विचार इस सूक्त में किया है। सब लोग इस जीवन रस का ज्ञान प्राप्त करें। यदि उनके जीवन से आनंद प्राप्त करना है तो उनको उचित है कि वे इस जनासह विदथ ज्ञान को प्राप्त करें। यह मनन करने योग्य सूचना प्रथम मंत्र के प्रारंभ में ही दी गई है। यह जीवन रस की विद्या कौन देगा, किससे यह प्राप्त होगी, यह शंका यहाँ आती है। इस विषय में प्रथम मंत्र ने ही आगे जाकर कहा है कि जो इस विद्या को जानता होगा वह महत ब्रह्म वदिष्यति, बड़े ब्रह्म के विषय में अर्थात इस महत्वपूर्ण ज्ञान के विषय में कहेगा। जिसको इस विद्या की प्राप्ति करने की इच्छा हो वह ऐसे विद्वान के पास जावे और ज्ञान प्राप्त करे। किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का रस सारांश रूप से यह समझो कि जिस जीवन तत्व के आश्रय से बढ़ने वाले वृक्ष वनस्पति आदि प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं, यह जीवन का आधार तत्व ना तो पृथ्वी पर है और ना धूलोक में है, वह किसी अन्य स्थान में है। इसीलिए उसको इस बाहरी धावा पृथ्वी से भिन्न किसी अन्य स्थान में ही ढूंढना चाहिए। इस प्रथम मंत्र में स्पष्ट शब्दों से कहा है कि जिससे जीवन का रस मिलता है वह तत्व इस स्थूल संसार से बाहर अर्थात वह अति सूक्ष्म है। वह कहाँ है, इसका पूर्ण उत्तर आगे के मंत्र में आ जाएगा। भूत मात्र का आश्रय, द्वितीय मंत्र में कहा है कि इस सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थों का आश्रय स्थान अंतरिक्ष है। इन स्थूल पदार्थ मात्र का जो अंतरिक्ष में आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते हैं या नहीं, अर्थात इसका ज्ञान सब ज्ञानियों को भी एक सा है या नहीं। ज्ञानियों में भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे ही केवल जानते हैं। सृष्टि विद्या के जानने वाले इस बात को नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्या का ज्ञान जानने वाले ही इसको यथावत जानते हैं। इस द्वितीय मंत्र में भूत शब्द है, इसका अर्थ बना हुआ पदार्थ जो यह बनी हुई सृष्टि है, इसी का नाम भूत है और इसी विद्या का नाम भूत विद्या है। इस सब सृष्टि का आधार देने वाला एक सूक्ष्म तत्व है जिसका ज्ञान अध्यात्म विद्या जानने वाला ही जान सकते हैं। इसीलिए जीवन रस विद्या का अध्ययन करने वाले ऐसे सद्गुरु के पास जावे कि जो इसका ज्ञाता हो और उसके पास से वह जीवन की विद्या प्राप्त करे। यह ही ज्ञानी महत ब्रह्म वदिष्यति, बड़े ब्रह्म का ज्ञान कहेगा। इस प्रकार द्वितीय मंत्र का प्रथम मंत्र के साथ संबंध है। सनातन जीवन,
तृतीय मंत्र में कहा है कि जो इस धावा पृथ्वी के अंदर बना हुआ पदार्थ मात्र है, वह सदा सर्वदा जिस समय बना है उस समय से लेकर इस समय तक बराबर जीवन रस से परिपूर्ण होने के कारण नवीन सा चल रहा है। इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसे सरोवर से चलने वाले विविध स्रोतों में सरोवर का जल चलता है। जगत के माता पिता अदिति भूमि जगत की माता है और घोष पिता जगत का पिता है। भूलोक और धूलोक भूमि और सूर्य, स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति, श्रण शक्ति और धन शक्ति, रई शक्ति और प्राण शक्ति, प्रकृति और पुरुष प्रकृति और आत्मा, इस प्रकार के दो शक्तियों से यह जगत बना है, इसीलिए इनको जगत के माता पिता कहा है। विविध ग्रंथकारों ने उक्त द्वंद्व शक्तियों के विविध नामों में से किसी नाम का प्रयोग किया है और जगत की मूल उत्पादक शक्तियों का वर्णन किया है। जीवन का एक महासागर, वेद में धावा पृथ्वी, धुलोक और पृथ्वी लोग को जगत के माता पिता करके वर्णन किया है, क्योंकि संपूर्ण जगत इन्हीं के अंदर समाया है। यह बना हुआ जगत यद्यपि बनने के पश्चात बढ़ता और बिगड़ता भी है, तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थों में जो जीवन तत्व व्याप्त रहा है वह एक रूप से व्याप्तता है, इसीलिए संपूर्ण जगत के नियम अटल और एक जैसे हैं। हजारों वर्षों के पूर्व जैसा जीवन संसार में चलता था वैसा ही आज भी चल रहा है। इससे जीवनामृत की अगाध सत्ता की कल्पना हो सकती है। जिस प्रकार ही सागर से अनेक स्रोत चलते ही हो तो उनमें एक ही जीवन रस सब में एक सा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसार के अंदर बने हुए अनंत पदार्थों में एक ही अगाध जीवन के महासागर से जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ उस जीवनामृत से ओतप्रोत भरपूर हो रहे हैं। पाठक क्षण भर अपने आप को भी उसी जीवन महासागर में ओतप्रोत भरने वाले एक घड़े के समान समझे और अपने अंदर वही जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें। जिस प्रकार तैरने वाला मनुष्य अपने चारों ओर जल का अनुभव करता है और उसी प्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागर में तैरने वाला एक प्राणी है, इसीलिए इस प्रकार ध्यान करने से उस जीवनामृत के महासागर की अल्प सी कल्पना हो सकती है। यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना नहीं होता, कभी बिगड़ता नहीं। अन्य पदार्थ बनते और बिगड़ने पर भी यह एक सा नवीन रहता है और यही सबको जीवन देता है। तत् अध सर्वदा आर्द्रम, वह सदा आज और सदा सर्वदा एक जैसा अभिनव रस पूर्ण रहता है। सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन शक्ति रति मात्र भी कम नहीं होती, इतनी अगाध जीवन शक्ति उसमें है। सबका एक आश्रय चतुर्थ मंत्र का कथन है कि संपूर्ण विश्व अर्थात यह सथुल जगत एक दूसरी शक्ति के ऊपर रहता है और वह शक्ति और दूसरी शक्ति के आश्रय से रही है। वही आधार का तत्व पृथ्वी और धुलोक के स्वरूप में दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं धुलोक में उसकी प्रकाश शक्ति की और पृथ्वी में उसकी आधार शक्ति को नमस्कार करता हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत में उसकी शक्ति ही जगत के रूप में प्रकट हो गई है। ऐसा जानकर जगत को देखकर उस शक्ति का स्मरण करता हुआ उस विषय में अपनी नम्रता प्रकट करता हूँ। स्थूल सूक्ष्म और कारण, इस मंत्र में विश्व शब्द स्थूल जगत का बोधक है। इस स्थूल का आधार अन्य अर्थात दूसरा है, इससे सूक्ष्म और वह इसके अंदर है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है। प्रत्येक स्थूल पदार्थ के अंदर यह सूक्ष्म तत्व है और यह भी तीसरे अति सूक्ष्म तत्व पर आश्रित है। यह तीसरा तत्व ही सबका एकमात्र आधार है और इसी जीवन का अमृत सब में एक रस होकर व्याप रहा है। इसी जीवन के समुद्र में सब विश्व के पदार्थ तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बड़े स्रोत उसी एक अद्वितीय जीवन महासागर से चल रहे हैं। इनमें उन्हीं का जीवन कार्य कर रहा है, यह बताना इस सूक्त का उद्देश्य है। अनेकों में एक ही जीवन भरा है, इसका अनुभव यहाँ होता है।
यह सुक्त केवल पढ़ने के लिए नहीं है, प्रत्युत यह मन की धारणा करके अपने मन में धारणा स्थिर करने के अनुष्ठान के लिए ही है। जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पाठक यहाँ देखें कि छोटे से छोटे सूक्तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा है। निसंदेह यह उपदेश जीवन पलट देने में समर्थ है, परंतु यह लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवन में ढालने का यत्न करेंगे। अथर्ववेद जल सूक्त ऋषि ही शंताति ही देवता आपह चंद्रमा। अंतरिक्ष में संचार करने वाले मेघ मंडल में तेजस्वी पवित्र और शुद्ध जल हैं, जिन मेघों में से सूर्य दिखाई देता है, जिनमें विद्युत रूपी अग्नि कभी व्यक्त और कभी गुप्त रूप से दिखाई देता हो, वह जल हमें शांति और आरोग्य देने वाला हुए, जिनमें से वरुण राजा घूमते हैं और जाते जाते मनुष्यों के सत्य और असत्य विचारों और कर्मों का निरीक्षण करते हैं, जिन मेघों ने विद्युत रूपी अग्नि को गर्भ के रूप में धारण किया है, उन मेघों का उदक हमें सुख और आरोग्य देवे। धुलोक के देव जिसका भक्षण करते हैं और जो विविध रूप रंग वाले अंतरिक्ष स्थानीय मेघों में रहते हैं तथा जो विद्युत का धारण करते हैं, उन मेघों का जल हमारे लिए सुख और आरोग्य देवे। जल हमारा कल्याण करे और उसका हमारे शरीर के साथ होने वाला स्पर्श हमें आह्लाद देने वाला प्रतीत हो। मेघों का तेजस्वी और पवित्र जल हमें शांति और सुख देने वाला होवे। वृष्टि का जल, इन चारों मंत्रों में वृष्टि का जल काव्यमय वर्णन है। इस मंत्र का वर्णन इतना काव्यमय है और छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक स्वर से पाठ करने पर पाठक को एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। इन मंत्रों में जल के विशेषण शुचि ही पावक सुवर्ण आदि शब्द वृष्टि जल की शुद्धता बता रहे हैं। वृष्टि जल जितना शुद्ध होता है उतना कोई दूसरा जल नहीं होता। शरीर शुद्धि की इच्छा करने वाले दिव्य लोग इसी जल का पान करें और आरोग्य प्राप्त करें। इसके पान से शरीर पवित्र और निरोग होता है। सामान्यतः वृष्टि जल शुद्ध ही होता है, परंतु जिस वृष्टि में सूर्य किरण भी प्रकाशित होती हैं, उसकी विशेषता अधिक है। इसी प्रकार चंद्रमा के किरणों का भी परिणाम होता है। इस सूक्त के चतुर्थ मंत्र में उत्तम स्वास्थ्य का लक्षण बताया गया है, वह ध्यान में धारण करने योग्य है। जल का स्पर्श हमारी चमड़ी को आलाहत देवे। जब तक शरीर निरोग होता है तब तक ही शीत जल का स्पर्श आनंदकारी प्रतीत होता है, परंतु शरीर रुग्ण होते ही जल स्पर्श बुरा लगने लगता है।